गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं उठ चुकी हूँ। ये उठ चुकी बोल है, तेरी ये जा रहा है ड्यूटी। है ना, क्या मेरे सिमी आ गई है, मैं सिमी बोल खा रहा रही हूँ। सिमी खा के आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। कितने टाइम से इंतजार किया मैंने, कब आएगा मेरे पास, कब आएगा मेरे पास, आ गया। तो दोस्तों, मैंने सुबह से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आज पूरे दिन भर मेरी तबीयत ख़राब थी और मैंने वीडियो नहीं बनाई। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसने भी परेशान नहीं किया, बिल्कुल भी परेशान नहीं होने दिया इसने कि मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो मैं मतलब पोटी वोटी तो करती, मेरी सास ने साफ की इसकी पोटी, पर रोई नहीं है। जब पोटी कर दिया, भूख लग रही तब तक तो रो रही थी, लेकिन वैसे नहीं रोई इसने, वैसे परेशान नहीं किया। जैसे अभी शांत है ना, ऐसी ही थी पूरे दिन भर शांत। तो इसका सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा कि हम मतलब मेरी सास मेरे साथ तो परेशान हो गई थी, लेकिन इसके साथ नहीं हुई कि ये भी रो रही हो, मैं भी रो रही, ऐसा नहीं था। मतलब मैं रो रही हूँ, मतलब मैं परेशान कर रही हूँ, और ये भी। तब इसके पापा को आज हमने जल्दी बुला दिया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर फोन दिखाने लगे थे, मम्मी आ क्या। आज इसके पापा को हमने जल्दी बुला दिया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इसके पापा घर 4:30-5 बजे तो घर पहुँच गए थे। इमरजेंसी में बुलाया आज को। देखो, इसने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमें। इसने देखा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो चुप थी भी आज पूरे दिन भर, ऐसी शांत थी। बस जैसी कुछ पोटी कर दे रही है, भूख लग रही, तब थोड़ा बहुत वहाँ वहाँ करती, पर मैं वैसे नहीं कर रही थी। जैसे इसको दूध पिला रही, चुप हो जा रही, ऐसी पूरे दिन भर शांत थी। आइए इसके पापा, इसके पापा को जल्दी आ रहा था, इसके पापा को जल्दी बुलाया था हमने। इसके पापा के आते ही मैं ठीक हो गई थोड़ी सी। इसके पापा के आते ही मैं ठीक हो गई थोड़ी सी, ऐसे नहीं बोला तुमने। यार कैसे मजाक बना रहा है मेरा, ऐसे बनाते लोग मजाक। जब तब अपनी तबीयत ख़राब होती है ना, तब सबको पता चलता है। क्या पता चलता है कि तबीयत कैसे ख़राब होती है। नहीं तो बहुत तबीयत खराब। अभी शाम के 7:30 बज रहे होंगे। क्या टाइम हो रहा है, 7:30 हो रहा है, 7:15। इसकी जब मेरी तबीयत ख़राब होती है, उसके पापा बहुत मजाक बनाते हैं मेरी कि ऐसे वैसे ऐसे वैसे मच्छर तो रहे। अच्छा, हम उसके टाइम पे मच्छरदानी ले आए। इसके पापा लेट रहे जिस मच्छरदानी के ऊपर। हमें पता था कि अगस्त का महीना है, मच्छर तो होंगे ही है ना, जब बेबी आएगा तो उसे मच्छर खाएंगे, इसलिए हम पहले से मच्छरदानी लेके आ गए थे। तो उसके ऊपर उसके अंदर लेटा देते हैं हम इसे, और चुपचाप देखते अपने मम्मा को। मम्मा परेशान थी ना तो कुछ नहीं कर रहे थे, मैंने पापा के पास भी चुपचाप रहती थी। मैं इसके पापा को पकड़ाती हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, ठीक है दोस्तों। कितने मज़े से मालिश करवा रही हुआ, आवाज़ मुकर, मेरी आवाज़ नहीं आएगी। कौन है? अरे करो यार बंद, म्यूट कर दो म्यूट। यहाँ देखो दादी गोद में कितने प्यार से मालिश करवा रही हुआ, ऐसा लग रहा उसको जैसा कि पता नहीं कहाँ मखमल के बिस्तर में लेटे हुए और मालिश करने के लिए बुला रखे। कितना मजा आ रहा था, चू चा कुछ नहीं, क्या मजा आ रहा था उसके। वाह मजा आ रहा है, बोल जो आँख खोल के भी देख ले। मुस्कुरा और रही, क्या मजा आ रहा है मेरे को तो। दादी दादी क्या कर ले हो, मजा आ रहा है मेरे को। हाँ जब नाएंगे अब नहीं नहीं करेगी, नहीं नहीं करेगी। अब दादी ने मालिश कर दी, अब नहीं नहीं करेंगे। तो फट हो गई ना, ये इंतजार करते हुए। क्या छो लगी हूँ मैं दादी। वाह बेटा, दादी नहलाने के लिए बैठी हुई है, यहाँ तक वो सुलाने के लिए नहीं बैठी हुई, जैसे तो सो रखी है फर्स्ट क्लास। मजा आ रहा सोए सोए में मालिश भी हो गई और नहा भी।
पति देव है, वो दादी है उसकी, और वो वहाँ पे नहा रही है। आइए सब वीडियो नहीं जरा अब नहा गई दादी के साथ। अब दादी की पता सुन रही है, वाह क्या बोलो दादी, कलर भी मलो जा फैशन कलर उठे छोरे कपड़े बिक जाना सी मेरा, क्या बोलो दादी। ला दे ने तो मुझे बड़ा आंटी देना मेरे में अस्तर से लग गया है, पक्षी का कपड़े में थी चा छोला 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 काय टी शर्ट इसकी मेरी की प्राइस भी चेंज है हैं ये देख रहे हो साफ ही जा गिर गई ना ना मैं थोड़ा सा लिखता हूं उसको, मैं थोड़ी सी डायलॉग वाले ठीक करता हूं इसको। ये इसका तौलिया, ये इसकी टी शर्ट जी 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 छाप होगा जी जिंदगी छाप होगा मैंने दी छाप हो जाएगी करके आप सुबह भी मुंह दे रहे करना हां बस खा ये देखो दादी ने पहना दी शर्ट। अरे वाह नायक के तौर पर जब आप फिट हुए जी तब आपने सोचा कि बस 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 मैं जो मुंबई गया तो बड़ी इच्छा थी कि वो अच्छे किरदार निभाए, अच्छी फिल्मों का हिस्सा बने, कोई 100 करोड़ की बिजनेस करते जिंदगी वो है फिर सो बस दादी कमीज बना रही हो सो रही है अब लग गया उसे असली भूख, बस अब उड़ गया। अब उसे पता चलिए बस जब हो गए तैयार अब ये दूध पी कर सो जाएगी।